लाइट्स कैमरा एक्शन। हेलो जी, कैसे सारे? दिस इज लव बर्बर। इन दिस वी टॉक अबाउट डी रेजिग्नेशन। एक बार अब एक अजय राज टाइप वीडियो बनाने का जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है एक आइडिया, एक स्टोरी। अब बब्बर भी और मैंने 3 दिन लगा दिए इस वीडियो का इंट्रो आउट्रो सोचने में, तो मेरा जो ये प्री प्रोडक्शन वाला पार्ट है ये है थोड़ा वीक, तो इसीलिए फ्रस्ट्रेट होकर हमने सोचा कि शूट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेडलाइन थी वो थी यार 1 अक्टूबर की, क्योंकि भैया का लास्ट वर्किंग डे तभी था। तो मैंने बांधा अपना बोरिया बिस्तरा और अगले 3-4 दिनों के लिए जो मेरा ठिकाना था वो था भैया का घर। अरे वाह, क्या लुक का दिया भाई। तो अपना भी जल्दी आएगा, अभी रख देते हैं ऐसे ही, छेड़खानी नहीं करते ज़्यादा। अब वीडियो बनाने के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट्स थे ही, चाहे वो लाइट्स हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो लेंस हो, लेकिन स्टेबिलिटी। तो भाई इसमें रेजिग्नेशन का पैसा मिला है बब्बर भैया को। अब गिम्बल रेंट करने के बाद IIIT दिल्ली था पास में ही, तो फिर क्या रिव्यू आपका? टीटीओ में यार ऐसा नहीं है यार। लाइफ बिफोर प्लेसमेंट और लाइफ आफ्टर प्लेसमेंट चिल है यार काफी, पहले इतना चल नहीं था। हाँ हाँ, मन नहीं कर रहा डेडलाइंस करने का, कुछ मन नहीं है, बस यूट्यूब ऐसा ही फील आ रही है। अच्छा भैया आपके साथ क्या था? अब रात में 11 बजे घर पहुंचने के बाद 2 से 2.5 घंटा गिम्बल के ट्यूटोरियल्स देखने के बाद हमने स्टार्ट करा इंट्रो आउट्रो शूट करना। एक बार ये जैसे उठना मतलब रिहर्सल, एक बार मैं कैमरा भी देख लूंगा, ऐसे होगा इंट्रो आउट्रो डन। बहुत मेहनत लगी, 2.5 घंटे लगे हैं सिर्फ 1 मिनट के शॉट को लेने के लिए। हाँ तो एक बार हमने टी शर्ट में लिया था वैसे, लेकिन फिर टी शर्ट में मजा नहीं आया, जवानी शर्ट में करा है। अब कुछ खाते हैं सर? तो भैया ने मंगवाया और टाइम भाई अभी पता है क्या हो रहा है? ये टाइम हो रहा है और हमें सबसे पहले तो यार गिम्बल सेट करने में इतना टाइम लग गया था, बहुत ज्यादा बहुत टाइम लग गया, क्योंकि पहली बार चलाया था गिम्बल और फिर ऊपर से शूट में काफी टाइम लगा, क्योंकि नूब है हम भी अभी खिलाड़ी, सीख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो 5:48 पर हम चले गए सोने के लिए, लेकिन डेडलाइन को मद्देनजर रखते हुए 4 से 5 घंटे की नींद कंप्लीट करने के बाद सुबह हमने शूट करा वॉइस ओवर और फिर शाम को तो फुल पावर फॉर्मल्स में रेडी और मैं भी लाऊं फॉर्मल शर्ट प्लेसमेंट वाली, तो आगे बताते हैं क्यों लाए हैं। तो अभी हमारे पास 2 टास्क है जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला टास्क है एनएसआईटी के अंदर पहुंचना। हाँ जी सर, कॉलेज जाना है, और दूसरा टास्क है सूरज डूबने से पहले सब कुछ करना, सूरज डूबने से पहले सब कुछ करना। अब यार एनएसयूटी में तो हम लोग घुस गए थे, लेकिन अगला शॉट लेने के लिए हमें जरूरत थी एक को एक्टर की, और निशान भी ऐसे बढ़िया को एक्टर, मतलब यार एक टेक में शॉट परफेक्ट है बिल्कुल भाई। फुल पावर शूट चल रहा है और काफी तगड़ा प्लेसमेंट भी लग चुकी है, वाला शॉट आ चुका है ना। हाँ, प्लेसमेंट लगने का शॉट आ चुका है, इंटरव्यू देने जा भी चुके हैं, दोनों चीज हो चुकी है। तो कमाल के बी रोल्स लेने के बाद, थोड़ा बहुत बाहर घूमने के भी बाद, आज हम फिर घर लेट पहुंचते हैं। तो यार एक वीडियो बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है म्यूज़िक ढूंढना, ठीक है? वहीं चल रहा है, यहाँ पे वहीं चल रहा है और यहाँ पे भी वहीं चल रहा है, कुछ एक बढ़िया एपिक सा म्यूज़िक ढूंढते हैं, जिससे कोशिश जारी है।
अब एपिडेमिक साउंड ने तो वीडियो स्पॉन्सर नहीं करा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक बहुत तगड़े इंटरव्यू प्रिपरेशन के फ्री रिसोर्स के बारे में बताता हूँ। दैट इज कोड स्टूडियो, विच इज पावर्ड बाय कोडिंग निंजास। अब कोड स्टूडियो पर 2000 से ज्यादा इंटरव्यू प्रॉब्लम है ऑफ ऑल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। चाहे आप स्टार्टअप्स ले लो जोमैटो ओला, या फिर आप बड़ी बड़ी कंपनीज ले लो लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। अब क्वेश्चंस तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, वो भी C++, जावा एज वेल एज पाइथन में। तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। तो ये तो हो गया DS, लेकिन अगर आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS या फिर आप लोगों को सिस्टम डिजाइन इवन कॉम्पिटेटिव कोडिंग करना है, कोड स्टूडियो। अब मेरे प्लेसमेंट में यार इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो 600 से ज़्यादा इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ ऑल कंपनीज, और आप यार उन इंटरव्यू एक्सपीरियंस से ही उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर सकते हो। और उसके अलावा टॉप इंटरव्यू प्रॉब्लम्स ऑफ अमेजोन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, किसी भी कंपनी के हो, आप लोग वो भी वहाँ पे कर सकते हो। एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेकआउट करना। अब एक म्यूजिक है ना, वीडियो की वाइब चेंज कर देता है बिल्कुल, तो इसीलिए म्यूजिक में टाइम इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। कर रहे हैं अब, क्या पता 1 घंटे में मिले, क्या पता 2 घंटे में मिले, क्यों भी क्या पता मिले ना, क्या होता कल ही मिले फिर। तो ढूंढते हैं म्यूजिक। तो भाई कल है भैया का लास्ट डे अमेज़न में, और अभी डिस्कॉर्ड पे चल रहा है क्या भैया, रेफरल सेशन चल रहा है। कल लास्ट डे अमेज़न का, सोचा कि जाने से पहले एक बार डिजर्विंग बच्चों को रेफरल दे देते हैं, अगर उनका फायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तक भैया ये करते हैं, मेरी हालत खराब हो रही है, जस्ट आधे घंटे सोता हूँ फिर मिलता हूँ। अब यार पूरे दिन के बाद मैं हो गया था बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट, मतलब सुबह से शाम तक हम शूट कर रहे हैं, फिर घूम रहे हैं, फिर एडिटिंग कर रहे हैं, तो मेरी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। अब ये सब देख के बब्बर भैया ने भी बोला यार सो जाते हैं सुबह देखेंगे। अब आधे घंटे रेस्ट करने के बाद मेरे दिमाग में आया यार बब्बर भैया इस वीडियो के लिए इतना एफर्ट मार रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे भी अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहिए। और फिर आधे घंटे बाद नींद खुली, मैं एडिटिंग करने बैठा, और फिर तो आज है भाई 1 अक्टूबर 4:28 AM टाइम हो रहा है अभी, और भाई साहब क्या शॉट्स आए हैं, क्या शॉट्स आए हैं। आपको 40 सेकंड का 1 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेगा ना इस वीडियो के अंदर। आप बोलोगे भाई क्या जबरदस्त शूट किया, मजा आ गया रे भाई यार। भाई एडिट करने में जो फील आ रही है ना, मतलब मैं सो गया था बब्बर जाने का, सो जाए। सो देखेंगे। लेकिन एकदम से पता नहीं बैठे हम और वो फील आतेगी और अब 5 बजने वाले। म्यूजिक भी नहीं मिल रहा था। हमने थोड़ा बहुत एफर्ट मारा फिर मिल गया। और जो वो लगा वो ट्यूनिंग गई, 120 fps स्लो मोशन डाला, क्या बात है, मजा आ गया। तो 1 अक्टूबर यानी लास्ट वर्किंग डे आ चुका था, और इस दिन भैया को कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी थी, जिसके लिए हमें जाना था अमेज़न ऑफिस। तो हमने सोचा यार 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा, शाम तक हम डेडलाइन के तहत वीडियो एडिट करके डाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, आज हम फिर लेट घर पहुंचते हैं शाम को 9:30 बजे। लेकिन उसके बाद पूरी रात वीडियो एडिट कर अगले दिन फिर फाइनली बैकअप। बाकी यार भैया यार बहुत मजा आ गया, मतलब जो चीजें सीखने को मिली है, चाहे वो बब्बर भैया से हो, चाहे वीडियो बनाने के पूरे प्रोसेस से हो, मजा आती काफी यार। ठीक है भैया, ओके जय भाई, निकलते हैं, मिलते हैं, ठीक है, अगली बार मूवी या वेब सीरीज बनाएंगे हम। बिल्कुल।